गुड मॉर्निंग बच्चों, साइंस गुरु जी में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 24 से और क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट करेंगे। ओके, इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 23 तक के क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूँ। उनको देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में #1 डाल के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला लिंक डाल रखा है, उसके अंदर आप जाके क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक आप कंप्लीट कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 24 से 30 तक हम आज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। चैनल को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे चैनल के लिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 आपका आता है 1 cot θ + tan θ sin θ - cos θ अपॉन sec³θ - cosec³θ इज इक्वल टू sin² θ एंड cos² θ। तो यहाँ से ही आपको पता चलता है कि RHS में ओनली साइन और कोस है, मतलब ये साइन और ये कोस तो चाहिएगा अपन को, लेकिन ये चारों चीज़ें नहीं चाहिए। तो क्या आप इन चारों को साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कहाँ सर कर सकते हैं, कैसे करेंगे? देखो बेटा सॉल्यूशन, ठीक है, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, वन प्लस कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हो गया साइन कोस में कन्वर्ट, इधर भी इनको कन्वर्ट करना ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी साइन कोस में है। होल अपॉन सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 cos³θ, और कोसेक को लिख सकता हूँ 1 sin³θ। तो इस तरीके से पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, साइन और कोस के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे इनका भी और इनका भी। तो देखो क्या करते हैं, कैसे लेंगे एलसीएम, पहले इस बॉक्स को सोल्व करते हैं। इनका एलसीएम कितना है, sin θ·cos θ, ऊपर क्या बच गया, sin θ·cos θ माइनस, साइन से साइन कैंसिल, कोस थीटा प्लस आएगा, प्लस से कोस कैंसिल, सॉरी cos²θ एंड sin²θ। तो ये बॉक्स इस तरीके से आ गया। इधर बचा आपका sin θ - cos θ, क्लियर। होल अपॉन यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, sin³θ·cos³θ एलसीएम आ गया। ऊपर क्या बच गया, sin³θ - cos³θ, क्लियर। आया समझ में यहाँ तक, ये एलसीएम लिया और यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ओके। अब मैं इस होल अपॉन को मैं इस पूरा इतना बड़ा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत, जैसे मान लो 2³ × 4 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 4³ लिख सकते हैं ना। तो मैंने ये पूरे को इसको और इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे देखिए a² + b² + ab बाहर आ गया, a माइनस बी a² - ab + ab + b² इज इक्वल टू, किसका फॉर्मूला है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये किसका फॉर्मूला होता है, a³ - b³ का, क्लियर। तो इस पूरे को मैं a³ - b³ में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा, ऊपर क्या आ गया, sin³³ − cos³³ / sin θ·cos θ बिगर अपॉन, ओके, नीचे सिमिलर sin³θ − cos³θ अपॉन sin³θ·cos³θ। तो ये और ये आपका सिमिलर है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। ये कहाँ जाएगा आपका, ऊपर, और ये कहाँ जाएगा, इसके पास। तो नीचे बच, ऊपर बच गया sin³θ·cos³θ अपॉन sin θ·cos θ। इससे ये कटा 2 times और इससे ये कटा 2 times। तो sin²θ·cos²θ इज योर फाइनल आंसर, डैट इज इक्वल टू योर RHS, सो वी कैन से HP, हैंस प्रूफ।
क्लियर आ गया ये देखो यही है क्या, यही है सिमिलर, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपन ने क्या करा, साइन को से कन्वर्ट करा, फिर एलसीएम लिया, फिर फॉर्मूला फिट करा, और फिर कट जो कट गया उसे काट दिया, और जो बच गया वो मिल गया। क्लियर। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 25, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सिमिलरली साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। सिंबल यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे भी अपोजिट है, बट बीच में क्या है, प्लस का सिंबल है। इक्वल्स टू 2/1 - 2 साइन कोस स्क्वायर थीटा या 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये लेके आना है और ये लेके आना है किसकी मदद से, इसकी मदद से। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे सॉल्यूशन। देखो दोनों का सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। अब कहोगे सर अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो बेटा अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई डिवाइड कब करते हैं, जब ये हट जाता, जब ये नहीं होता इसके साथ, ये पॉजिटिव वाला, ये प्लस वाला नहीं होता तो अपन करते हैं वो। लेकिन यहाँ पे प्लस वाला है तो दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो साइन थीटा माइनस से माइनस वाला कट गया, प्लस वाले से ये स्क्वायर हो गया, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इधर आ गया। ओके करो सॉल्व। नीचे तो सिमिलर आएगा, साइन थीटा देखो नीचे क्या आया, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी डैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, समझ में आ गया। अब ऊपर की बात करते हैं, ऊपर क्या चल रहा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कोस थीटा। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा कोस थीटा। प्लस के 2 sin थीटा कोस थीटा से माइनस के 2 sin थीटा कोस थीटा कट गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 1। सो 1 एंड 1 इक्वल्स टू 2/sin² θ माइनस cos² θ। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे ओनली कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर चाहिए अपन को, ठीक है। तो साइन स्क्वायर हटाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर को हटा के मैं कोस स्क्वायर कैसे ले सकता हूँ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 1 - cos² θ। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, 2/1 - cos² θ - cos² θ 2/1 - माइनस का कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 cos² θ। ये तो आ गया आपका फर्स्ट, ठीक है। अब बात आती है किसकी, सेकंड वाले की। सेकंड वाले में पहले इसमें इसको हटाया था, अब इसको हटा दूंगा, तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 - sin² θ। देखो कोस स्क्वायर थीटा की जगह रख दो, 2/sin² θ माइनस 1 - sin² θ 2/sin² θ माइनस 1 + sin² θ। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो 2/2 sin² θ माइनस 1। ये क्या आ गया आपका, ये वाला पोर्शन आ गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, सिंपल सा है। एलसीएम सबसे पहले क्या लिया, एलसीएम, उसके बाद फॉर्मूले लगाए हैं अपन ने, ठीक है, फॉर्मूला, और उसके बाद में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ पे। बस 2-3 स्टेप है, ये यदि आपको आ गई तो बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आरएचएस पे कंसंट्रेशन करना है। इस आरएचएस पे कंसंट्रेशन करोगे तो अपने आप ही एलएचएस से आरएचएस इजीली आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ तो बेटा अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहता है, कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोस ए। वही मैं एक ही बात RHS पे कॉन्सेंट्रेशन करो, क्या चाहिए अपन को, साइन और कोस चाहिए, साइन और कोस, लेकिन ये टेन और कोट एक्स्ट्रा हैं तो इनको सबसे पहले हटाएंगे अपन। टेन और कोट को कैसे हटा सकते हैं, कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन का फॉर्मूला साइन ए अपॉन कोस ए। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, यदि यहाँ पे आपको ए दे रखा है थीटा की जगह, तो आप पूरे क्वेश्चंस में ए को ही काम में लेंगे, थीटा काम में नहीं लेंगे। ठीक है, साइन ए अपॉन 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, ओके एलसीएम लेंगे, कोस ए अपॉन कोस ए एलसीएम आ गया, कोस ए माइनस साइन ए प्लस, सिमिलरली साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। इसके अपॉन में वन मान लेते हैं, इसके अपॉन में वन मान लेते हैं, ये इसके पास और ये वाला उसके पास, ये वन के पास और ये वाला इसके पास, तो ये क्या चल जाएगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। क्लियर, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि अपन दोनों बॉक्सेस को सेम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सर, क्योंकि मैं यदि मैं इस दोनों में से क्या ले लूँ कॉमन, कोस इस माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, तो जैसे कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। यदि मैं बाहर माइनस ले लेता हूँ तो अंदर वाले के सिंबल क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, कोस ए माइनस साइन ए। आ देखो दोनों तरफ सिमिलर आ गया, सेम आ गया, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सिमिलर कोस ए माइनस साइन ए, ऊपर क्या आएगा, सेम है तो सेम है तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ गया, कोस ए प्लस साइन ए। क्या ये वाली चीज़ यही है क्या, देखो ढंग से, ये वाली चीज़ यही है क्या, हाँ सर यही है, तो बस हो गया आपका क्वेश्चन। क्या क्या करा, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करा, उसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद अपन ने वापस क्या करा, ओनली यहाँ पे आके एलसीएम लेने के बाद ये सारा काम एलसीएम के बाद का कैलकुलेशन है ये, ठीक है, और फिर यहाँ पर अपन ने एक फॉर्मूला लगा दिया, आइडेंटिटी लगा दी एक। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 आपका आता है, कोस ए के माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, इस फोर इसके अंदर कोस ए के साइन ए सेक ए कोस ए को पूरे को कन्वर्ट करके टेन और कोट मिलाना है, तो क्या पॉसिबल है क्या, ऐसे कोई फॉर्मूला है क्या, कोस ए का सर कोस ए का कोट में है फॉर्मूला और टेन सेक का टेन में, बट वो स्क्वायर में है बेटा, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसको भी मैं साइन कोस में कन्वर्ट कर लूँ और इस पूरे को भी साइन कोस में कन्वर्ट कर लूँ, तो हो सकता है, चलो पहले सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, RHS ले रहा हूँ पहले, सॉरी LHS लेता हूँ फिर RHS लेंगे। LHS में क्या लिया, कोसे के को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। सेक ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। क्लियर, इसको कन्वर्ट करा है ओनली, ओके आगे देखो एलसीएम लेंगे, क्या साइन ए एलसीएम आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे कोस ए एलसीएम आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ओके 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख दूंगा, कोस स्क्वायर ए,
अपॉन साइन प्लस, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर अपॉन कोस। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उधर देखते हैं, उस साइड देखते हैं, चाहे तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, छोड़ो आप उस साइड देखो, आरएचएस को देखते हैं। अब आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं। वन अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, वन अपॉन एलसीएम लिया साइन ए कोस ए एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये ऊपर चल जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और इसका वैल्यू वन, तो साइन ए डॉट कोस ए अपॉन ये नीचे देखो ये वन हो गया, ये इस वन के पास और ये इस वन के पास, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डैट इज इक्वल टू वन। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, साइन ए डॉट कोस ए। तो इस साइड आपका है साइन ए डॉट कोस ए और इस साइड आपका ये साइन ए डॉट कोस ए नहीं आया है ना, तो ओहो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है ना, नीचे मल्टीप्लाई चल रहा है ना बेटा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, कोस ए से ये कट गया, साइन ए से ये कट गया, तो क्या बच गया, साइन ए डॉट कोस ए बच गया, और इधर भी यही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस एंड दैट इज हैंस प्रूव्ड। क्लियर बेटा? यहाँ पे ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों सॉल्व करनी है, ठीक है, दोनों सॉल्व करनी है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा डैट इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा, मतलब आंसर के अंदर ये आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ये अकेला टेन थीटा खराब है, तो इसको सबसे पहले ठीक करेंगे, ठीक है, इसका इलाज करेंगे। इसका इलाज करा, क्या इलाज करा, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन के पावर थ्री थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका भी कुछ नहीं कर रहे। एलसीएम लिया, क्या आया, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन के पावर थ्री थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये कोस थीटा किधर चल जाएगा, देखो इसके अपॉन में भी क्या ले लूँगा वन, तो ये वाला इसके पास और ये वाला ऊपर, तो कोस के पावर थ्री थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन के पावर थ्री थीटा अपॉन। यदि मैं ऐसे कैसे लिखता हूँ तो इन दोनों को सेम कर सकता हूँ, जब मैं माइनस में है तो कर सकते हैं सर, जैसे पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं, तो माइनस को मैं ले लूँगा और ये नीचे का अपने आप ही क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। एलसीएम क्या आया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बच गया, सॉरी यहाँ पे थ्री आएगा, कोस के पावर थ्री है, कोस ऊपर चल जाएगा तो स्क्वायर क्यूब में बदल जाएगा, तो देखो कोस के पावर थ्री थीटा माइनस साइन के पावर थ्री थीटा, यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे रख देंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा होल अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? देख लीजिए अच्छी तरीके से, मैच कर लीजिए, ये फॉर्मूला बनेगा ना, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा से ये कट हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको पता ही है वन होता है, वन प्लस टू नहीं आएगा, वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा डैट इज योर आर एच एस, सो हैंस प्रूफ। क्लियर बेटा?
कोई डाउट अच्छे तरीके से देखो। सबसे पहले क्या करा, टेन थीटा का इलाज करा अपन ने, उस इलाज के बाद एलसीएम लिया, कैलकुलेशन करी, फिर एक आइडेंटिटी लगानी है। तो मतलब अपन मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला तो अपना ये साइन कोस में कन्वर्ट करना है, साइन कोस में कन्वर्ट करा, उसके बाद अपन ने एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेशन करी थोड़ी सी, और लास्ट में एक आइडेंटिटी लगा देती है। ठीक है, ये थ्री स्टेप्स हो गए नॉर्मली, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में काम कर रहे हैं वो तीन स्टेप है, साइन कोस में कन्वर्ट करना, एलसीएम वगैरह लेके उसका कैलकुलेशन करना, और लास्ट में एक आइडेंटिटी पुट कर देना। क्लियर? सो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 आपका आता है, इफ सेक थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू पी, मतलब ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, पी, देन प्रूव डेट कि पी स्क्वायर माइनस वन, पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस, मतलब इसका स्क्वायर प्लस वन, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास क्या बचना चाहिए, साइन थीटा बचना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो बेटा कैसे करेंगे बताओ। सर सबसे पहले पी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, वेरी गुड, सबसे पहले पी की वैल्यू पुट कर देंगे, का होल स्क्वायर स्क्वायर है ना माइनस वन, होल स्क्वायर प्लस वन, वैल्यू पुट कर दी। आइडेंटिटी लग रही है कोई सी? हाँ सर लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वैल्यू पुट करो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा माइनस वन। ओके, सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा प्लस वन। क्लियर? सिमिलर आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपके पास, माइनस वन है, टेन स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर में अपन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या था, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसी का ही मैं अल्टरनेट निकालूँ तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, मतलब प्लस वाला वन तो किसके साथ काम आ रहा है, टेन के साथ, तो प्लस वाला वन तो किसके साथ काम आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। ओके, और माइनस वाला किसके साथ आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या कहलाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस, ये वाले दोनों चीज़ें बच गई आप कैसे कैसे, सिमिलरली नीचे सेक स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन वापस बना लिया आपका क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा। ओके, अब देखो ये टेन स्क्वायर मिलके क्या बनाया इन्होंने, टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा सेक थीटा अपॉन, सिमिलरली नीचे भी यही आएगा, टू सेक स्क्वायर थीटा टू टेन थीटा सेक थीटा, मैच करो, टेन स्क्वायर टू टेन स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर टू सेक स्क्वायर हो गया, टू सेक सेक थीटा टेन थीटा टू सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, टू टेन थीटा तो ऊपर सर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे तो क्या बच गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, नीचे भी क्या आ रहा है सर, नीचे टू सेक थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों में कोई अंतर है क्या, देखो बेटा इन दोनों में कोई अंतर है क्या, नहीं है इन दोनों में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और बच गया क्या, टू से टू कैंसिल हो गया, टेन थीटा की जगह अपन को साइन में चाहिए, तो साइन में कन्वर्ट कर दो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वन अपॉन कोस थीटा, ये वाला चल जाएगा बाहर, ये वाला इसके पास, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा अपॉन वन, कोस थीटा से कोस थीटा, बच गया क्या, साइन थीटा, एंड दैट इज योर RHS एंड हैंस प्रूफ्ड। क्लियर बेटा, कोई डाउट, बिल्कुल किसी भी स्टेप में नहीं आनी चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा बेस अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कैसे कदम उठाने और किस तरीके से आप उनको सक्सेस गेट करनी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30,
इफ कोस ए अपॉन कोस बी, यहाँ पे ए अलग है बी अलग है, मतलब कोस ए डज नॉट इक्वल टू कोस बी, पहली चीज ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, कोस ए कोस बी का अपॉन क्या आएगा एम, एंड कोस ए अपॉन साइन बी को क्या बोलेंगे एन। देन प्रूव डैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो कोस स्क्वायर बी से, तो आपका आना चाहिए एन स्क्वायर। तो देखो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले उस इक्वेशन को जो प्रूव करवानी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़े इस क्वेश्चन को, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो m की वैल्यू रखेंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी प्लस n की वैल्यू रखेंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे कॉस स्क्वायर बी से। अभी क्या ले रहे हैं एल एच एस, क्या आएगा एल सी एम है, क्या आएगा बताओ, कॉस स्क्वायर बी डॉट साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे क्या बच गया है बेटा, यहाँ पे क्या बच गया आपका कोस से कट गया, ये आ गया कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस, इस साइन से साइन कट गया कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, क्लियर क्लियर का मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर बी से। इन इस वाले में और इस वाले में, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, क्लियर। तो अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी का होल अपॉन, नीचे क्या आ गया कोस स्क्वायर बी डॉट साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखो क्या बचा बेटा, कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर है, और ये दोनों, अब देखो यहाँ पे ये बी है और यहाँ पे भी बी है, इसका मतलब है दोनों सेम रेशियो वर्क करेंगे, दोनों पे सेम फॉर्मूला वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन, तो ये अपन जानते हैं। तो सिमिलरली साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल्स टू वन, ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी इसकी वैल्यू वन होगी। कभी भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल्स टू वन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के एंगल इक्वल है तो ये वन हो गया, तो ऊपर क्या बच गया कोस स्क्वायर ए अपॉन, नीचे क्या बच गया साइन स्क्वायर बी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर, और कोस ए अपॉन साइन बी, कोस ए अपॉन साइन बी क्या है एन, डैट इज एन का स्क्वायर, और ये ही क्या कह रहा था अपने क्वेश्चन में एन स्क्वायर प्रूव करना, तो डैट इज आर एच एस और वी कैन से डैट हैंस प्रूव्ड, क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिखने में खतरनाक होता है, तो क्वेश्चन को देख के कभी भी नहीं डरना है इसके। तो इस तरीके से हमारी 7.1 कंप्लीट होती है। 7.2 जो एक्सरसाइज है वो हम कल करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, वो तुरंत हो जाएगी। और उसके बाद आपको कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं, कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो पढ़नी है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं उसकी अगली वीडियोस उसी से रिलेटेड उसी एक्सरसाइज की बनाऊं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड कीप प्रिपेयरिंग योर फॉर योर एग्ज़ाम्स, बाय।